एक और नया चुनावी अपडेट जारी किया गया जिसमें हर विधानसभा के लिए कांग्रेस में 16 तो भाजपा में 17 काउंटिंग एजेंट तैयार। दरअसल विधानसभा चुनाव की मतगणना तिथि नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने काउंटिंग एजेंट बनाने और उन्हें प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विधानसभावार काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों की ओर से सभी जिलों में विधानसभावार एजेंट बनाने के निर्देश संबंधित क्षेत्र के विधायक प्रत्याशियों के साथ ही जिला अध्यक्षों को दिए गए निर्देश। कांग्रेस की ओर से प्रत्येक विधानसभा में 2 ARO समेत 16 काउंटिंग एजेंट तो भाजपा में 3 ARO समेत 17 काउंटिंग एजेंट तैनात रहेंगे। वैसे बता दें कि जिला अध्यक्षों और प्रत्याशियों का कहना है कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और सबसे करीबी लोगों को ही मतगणना एजेंट बनाया जाता है ताकि हर राउंड की गिनती पर वह निगाह रख सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो तो तत्काल आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से कर सके। वैसे बताया जा रहा है कि PCC की ओर से सभी जिला अध्यक्षों को काउंटिंग एजेंटों की ट्रेनिंग करने के लिए जल्द ही समय निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये काउंटिंग एजेंट क्या है, किस तरह से काम करते हैं, आइए हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी यदि चैनल पर नए हो तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो काउंटिंग एजेंट एक प्रकार का चुनावी पर्यवेक्षक होता है जिसे उम्मीदवार या उम्मीदवार के चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव गणना की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है। मतगणना के दौरान इनकी ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताया जा रहा है कि राजीव भवन में बनाए गए कंट्रोल रूम की टीम को मतगणना के दिन के लिए सुबह से तैनात रहने के निर्देश भी दिए गए हैं, जहां टीम के सदस्यों को विधानसभावार जानकारी लेकर हर राउंड के बाद राजनीतिक PCC में अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए, जो कि सुबह 7 बजे से टीम देर रात तक तैनात रहेगी। इनके अलावा बताया जा रहा है कि वोटों की गिनती के बाद उसे कंट्रोल यूनिट मेमोरी सिस्टम में सेव करके रखा जाता है। यहां डेटा तब तक रहता है जब तक इसे डिलीट ना किया जाए। गिनती की जिम्मेदारी चुनाव पदाधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की होती है। रिटर्निंग ऑफिसर सरकारी अफसर या फिर स्थानीय अधिकारी को बनाया जाता है और इस तरह से मतगणना की काउंटिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो ये एक नई जानकारी जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं ऐसे और अन्य जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।